आज कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का कार्यक्रम उद्देश्य वित्त एवं कर सलाह व्यवसाय में पेशे वरों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना ताकि ग्राहकों को निवेश निर्णय लेने से प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन किया जा सके। प्रतिभागियों को निवेश व्यवहार पैटर्न और निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारकों की व्यापक समझ प्रदान करना था। इसमें जोखिम प्रबंधन करते हुए रिटर्न को अधिकतम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न निवेश सलाह रणनीतियों और तकनीकों पर भी चर्चा की गई। कानपुर के किटबा द्वारा कार्यक्रम में जिन बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई वे इस प्रकार थे: निवेश व्यवहार का मनोविज्ञान, व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह और निवेश निर्णयों पर उनका प्रभाव, प्रभावी निवेश सलाह रणनीतियां विकसित करना, जोखिम प्रबंधन और पोर्टफोलियो विविधीकरण, निवेश सलाह में नैतिक विचार। उपरोक्त विचार कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की विजय होटल में संपन्न व्यावसायिक विकास गोष्ठी में वक्ता द्वय बंधन म्यूचुअल फंड के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत अग्रवाल और SPFL KCA नरेंद्र गुप्ता जी द्वारा व्यक्त किए गए। कार्यक्रम का आयोजन फाइनेंशियल लिगेसी सर्विस के अमित जायसवाल और सौरभ भटनागर ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद शेखर श्रीवास्तव ने कहा कि सदस्य ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को उनकी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए कौशल और ज्ञान प्रदान करेगा एवं प्रतिभागियों को निवेश सलाह और व्यावसायिक वित्त में व्यापक अनुभव वाले उद्योगों पेशेवरों को से सीखने का अवसर मिलेगा। गोष्ठी का संचालन प्रशासनिक मंत्री एडवोकेट आशीष जौहरी तथा धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष एडवोकेट नरपत जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री दीप कुमार मिश्र, अरुण अहलुवालिया, राजीव कुमार गुप्त, जगदीश जायसवाल, अवधेश मिश्र, विजय त्रिपाठी, पवन गुप्ता, महेश स्वरूप निगम, गोपाल गुप्त, शिवजी श्रीवास्तव, राजू कश्यप, प्रवीण भार्गव आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। आज जो कार्यक्रम हुआ है किटबा का, क्या कार्यक्रम था उसके बारे में? आज का कार्यक्रम म्यूचुअल फंड से कनेक्टेड था और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग, इसके लिए हमारे दो वक्ता थे, उन दोनों लोगों ने इस पॉइंट पे प्रकाश डाला है। और हमारी कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी है उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम कराया गया है। कौन सी कंपनी आई थी इन्वेस्टमेंट? यहाँ पर बंधन म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल लिटरेसी सर्विसेज के थ्रू जो बात होती है वो लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, स्पॉन्सर भी उन्हीं लोगों ने किया, हम लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया और हम लोग ये जानने में सक्षम हुए कि हम लोगों को किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयां क्या हैं और कितना स्टफ हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और दूसरे किसी मोड में इन्वेस्टमेंट करना। दीप कुमार मिश्र, पूर्व अध्यक्ष कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज इसलिए किया कि हम लोग जो अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं इनकम टैक्स की, टैक्सेशन की कंसल्टेंसी की, उसके अलावा नॉर्मल हम लोग अपने रूटीन में एक काम और करते रहते हैं कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ये बताते रहते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को टैक्स इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बताते हैं कि उनको कैसे करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली कैसे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में जागरूकता के लिए और उसके बारे में क्या हम लोगों का तौर तरीका होना चाहिए उसके लिए आज हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। फाइनेंशियल लिगेसी सर्विसेज के सी जो अमित जायसवाल जी हैं और जो उनके सौरभ भटनागर जी हैं उनके सहयोग से आज का कार्यक्रम हुआ और ये दो विषयों पर आधारित है, एक तो जो ह्यूमन बिहेवियर और वही जो रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट बिहेवियर में और दूसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग, जो हम लोग टैक्स एडवाइजिंग करते हैं उसी के साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग करने के लिए ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं और हमारे जो प्रशांत अग्रवाल जी और ये नरेंद्र गुप्ता जी उन्होंने इस विषय पर विस्तार से पता करा, हम लोगों को पूरी बातें बताई।